आप जितने भी लोग दूर नजदीक से आए हैं, हम अपने चर्च के अंदर आप सबको वेलकम कहते हैं और अपने जिंदा हुआ खुदा की प्रस्त शुरू की साज रखते हैं ताकि सारा इंदर जलाल यीशु नाम को मिले। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप सबको भी सलाम कहते हैं।
की जगह है, वो हमारा मौके किला है। हालेलुया, तो आए प्रस्तिश में और आगे बढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को और इज्जत और जलाल देंगे।
उसका पाक मुकसर के साथ जुम्बश कर रहा है, उसकी शुक्र गुजारी करें, उसको मुबारक कहें। इसी मसा में अपने कदमों पे सब खड़े हो जाए, हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हालेलुया का कोर्स गाएंगे और उसी के अंदर कलाम को मांगना शुरू करें ताकि खुदा आज आपके साथ कलाम करे। खुदावंद भाई से बरकत हो, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम पाक है
उस चांदी की बानी जो सात बार मट्टी में ताई गई और सात बार साफ की गई, खुदावंत तूने सबसे ज्यादा अजमत अपने इस कलाम को दी है। तेरा कलाम सच्चाइयों का खुलासा है खुदावंत, तेरा कलाम बेतफी नहीं लौटता खुदावंत। देख तेरे कलाम के वसीला से आज खुदावंत पर तेरे लोग बरकत पाए, इसी तरह खुदावंत देख कादम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो खुदावंत देख अभी सफर में है, खुदावंत तू उनके सफर में खुदावंत उनका हामी और मददगार होना, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंत सलामती से पहुंचकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावंत तू जलाल से भरा हुआ खुदा है। खुदावंत यीशु के नाम से खुदावंत तू आज के कलाम के वसीला से एक एक को बरकत देना, ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खड़े खड़े जोरदार तालियों से पास्टर नवीद को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, रखिएगा खुदा आपको बंद कर दे। मसीह यीशु में आप सब बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गों नौजवानों की सलामती और खुदावंत आप सब के साथ। आए हम खुदावंत के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई नसीहत तरबियत के लिए मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना आलफ का मुकाशफा उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना आलफ का मुकाशफा उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। आए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ मांगे। कादर मुतलक खुदा, तू जो मुबारक और भला खुदा है, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत सुबह और आज के दिन के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरी इबादत तेरी बंदगी तेरी प्रस्तुति कर सकते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हमें से हर एक को बरकत दे। हमारा आज सुबह तेरे घर में आना, तेरे कदमों में झुकना, तेरी प्रस्तुति करना, तेरी आवाज को सुनना हम सब के लिए आसमान और जमीन की रूहानी जिस्मानी और माली बरकत का सबब बने और तेरे लोग हमेशा तुझ में तरक्की करें और तेरा नाम तेरे लोगों की जिंदगी में जलाल पाए। ऐ खुदा पाक खुदा, हमारी दुआ है तू अपने मंसूब पास्टर शौकत फजल को और उसके सारे काफले को सारी टीम को जो इस वक्त सफर में है सफर को मुबारक कर, क्योंकि तू मुबारक और भला खुदा है। तेरा बंदा जिस मकसद के लिए निकला है उसमें कामयाबी तरक्की सरफराजी हासिल करे और खुदावंत तेरा नाम मुकद्दसों की जिंदगी में जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी मैंने आपके सामने मुकाशफा की किताब में से एक आयत पढ़ी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि देखो मैं चोर की तरह आता हूं, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है कि मैं चोर की तरह आता हूं और ये मसीह की आमद है और मसीह अपनी आमद को किस तरह या किस चीज से तशबीह दे रहे हैं। लिखा है कि मैं चोर की तरह आता हूं और याद रखें खुदा जो है उनका आना इस तरह है
जैसे रात को चोर। लोग कहते होंगे कि अमन और सलामती है, लोग कहते होंगे कि अमन और सलामती है दुनिया के अंदर। दुनिया जो है वो अपने तौर पर यह सोचती होगी कि अब दुनिया में बड़ा अमन और बड़ी सलामती है, और बाइबल कहती है कि वो नागहान उन पर आन पड़ेगी। यानी मसीह का आना इस तरह है। मसीह फरमाते हैं कि मैं चोर की तरह आता हूं। और अगर आप मत्ती 26वां बाब उसकी 43वीं आयत और लूका 12वां बाब उसकी 39वीं आयत इन हवाला जात में मसीह की आमद के बारे में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, और मसीह की आमद को चोर की तरह आने से तशबीह दी गई है। और याद रखें, सर्दीस की कलीसिया मुकाशवा की किताब में जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पर भी खुदावंद ने यही फरमाया कि अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और दूसरा पत्रस 3वां उसकी 10वीं आयत में भी खुदावंद चोर की तरह आने का जिक्र करते हैं। याद रखें, ये तमाम हवाला जात हमें मसीह की आमद के बारे में बताते हैं कि मसीह की आमद जो है वो किस तरह होगी। चोर की तरह बताया गया है, यीशु मसीह ने कहा जिस तरह चोर और इंसान को पता नहीं होता कि उसके घर में किस वक्त चोर जो है वो चोरी करने के लिए आएगा, इसी तरह खुदा के लोगों को हमेशा अपने खुदावंद का मुंतजिर रहना चाहिए कि ना जाने मेरा मसीह कब आ जाए, उसकी आमद कब हो जाए। दूसरी बात, मुबारक वो है जो जागता है। याद रखें, जागने का मतलब मसीह का मुंतजर रहना। मुबारक वो शख्स है जो जागता है, और जागने का मतलब है जो मसीह का मुंतजर है, जो बेदार है, जो होश में है, मसीह का मुंतजर है और ईमान में कायम रहना। वो मसीह का मुंतजर तो है मगर अपने ईमान में वो कायम और दायम है। लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो जागता है। जागने का मतलब है बेदार रहना, होश में रहना, हर वक्त ईमान में कायम रहना, ये जागने का मतलब है। और खुदा का कलाम उस शख्स को मुबारक कहता है जो जागता है, जो मसीह का मुंतजर है, जो उसके आने के इंतजार में है और उसकी राहों को देखता है। और बाइबल कहती है कि वो शख्स जो है वो मुबारक है। आगे खुदा के कलाम में लिखा है जो आपके सामने पढ़ा गया, और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। याद रखें, कलाम खुदा कहता है कि ना सिर्फ वो मसीह का मुंतजर है, वो मसीह के आने की आस उम्मीद लगाए बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा मसीह कब आएगा, बल्कि वो जागता है, वो ईमान में कायम है, वो होशियार है, वो बेदार है। और तीसरी बात, कलाम खुदा में लिखा है, खुदा का कलाम बताता है, हमें सिखाता है कि वो शख्स अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। अपनी पोशाक की हिफाजत, पोशाक दो तरह की है। एक पोशाक हमारी, ये पोशाक जो हमने पहनी हुई है, ये कपड़े जो आपके सूती हैं, रेशमी हैं, जो भी जिस भी तरह के कपड़े हैं जो आपने अपने तन को ढांपने के लिए पहने हैं। याद रखें, एक ये पोशाक है और एक पोशाक जिसकी बाइबल मुकद्दस जिक्र करती है,
कि वो अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। वो पोशाक राष्ट्रवादी के काम है, वो राष्ट्रवादी के काम है, और वो राष्ट्रवादी के काम जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 5:6-7 में फरमाया कि अगलों से कहा गया था कि ये करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। बहुत सारी बातें राष्ट्रवादी के काम याद रखें, यशायाह 61:10 और उसकी 10वीं आयत में खुदा कहता है कि मैं तुझे राष्ट्रवादी के कपड़े, मैं तुझे नजात के कपड़े और राष्ट्रवादी के खिल्लत से मुलब्बस करूंगा। खुदा हमें राष्ट्रवादी के कपड़े पहनाता है। ये राष्ट्रवादी के जो कपड़े हमने पहने हैं, ये राष्ट्रवादी के कपड़े मसीह यीशु ने हमें दिए हैं। इससे मुराद ये है कि हम अपनी जात में नहायत ही गुनहगार थे और हमारी कोई राष्ट्रवादी नहीं थी। याद रखे, मसीह ने शरीर पर कुर्बान होकर अपनी राष्ट्रवादी दे दी और हम उसकी से आज राष्ट्रवाद गिने जाते हैं, शुमार किए जाते हैं और राष्ट्रवाद कहलाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवाद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं और उसने हमारे गुनाहों को अपने बेशकीमती खून से धोया है और उसके खून से हम धुले हैं और हमें उसने नजात के कपड़े पहनाए हैं। नजात किसने बख्शी? लूका 19:10, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। लूका 16:31, उन्होंने कहा ऐसा वो हम क्या करें कि नजात पाए? उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। ये नजात के कपड़े, ये नजात से मुलबस करना, ये खुदावंद यीशु का काम है और उसने मुझे और आपको अपनी नजात बख्शी है। और ये राष्ट्रवादी की पोशाक, ये कपड़े खुदावंद यीशु ने हमें पहनाए हैं और बाइबल कहती है कि मुबारक शख्स वो है जो जागता और इस पोशाक की हिफाजत। आप जानते हैं कि आपकी नजात छीन ली जा सकती है, अबलीस आपकी नजात को छीन सकता है, वो आपके कपड़ों को उतार सकता है और आप नंगे नजर आ सकते हैं, आप नंगे नजर आ सकते हैं। मगर बाइबल कहती है कि तू नंगा ना हो, तेरी बरहंगी लोग ना देखे। आपकी नजात छीनी जा सकती है। याद रखें, पदेश की किताब में जब हम पढ़ते हैं 3 बाब में, तो वहां पर क्या हुआ? खुदा ने आदम और हवा को नजात बख्शी थी, वो नजात याफ्ता थे, वो ईमानदार और राष्ट्रवाद थे, वो खुदा की सूरत और छवी पर पैदा किए गए थे, बनाए गए थे। मगर जब खुदा ठंडे वक्त में आया, पदार्थ 3 बाब नामी 10वीं आयत पढ़े, आपको पता चलेगा नजात किस तरह छीनी गई। खुदा ने कहा आदम तू कहां है, आदम तू कहां है? और आदम ने कहा आए खुदावंद मैं नंगा हूं। आदम ने कहा आए खुदावंद मैं नंगा हूं। उसने कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बालत मैंने तुझे मना किया? उसने कहा जो औरत तूने मुझे दी उसने वो फल मुझे दिया और मैंने खाया। इस तरह आदम के नजात के कपड़े जो थे वो उतर गए, आदम नंगा हो गया और अपने आप को पत्तों में छुपाने लगा। याद रखे मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज वो लोग जो राष्ट्रवादी के कामों को छोड़ देते हैं, जो अपनी पोशाक की हिफाजत नहीं करते, अपने राष्ट्रवाद होने को एक मुबारक हाली नहीं समझते, राष्ट्रवादी के कामों को नहीं करते बल्कि अपनी मन मर्जी करते हैं। आपकी राष्ट्रवादी जो है उसको
छीना जा सकता है। और याद रखें, आपका दुश्मन अबलीस है, शैतान है, जो आपकी राष्ट्रवादी को छीनना चाहता है, जो आपको दुनिया में नंगा करना चाहता है, जो चाहता है कि दुनिया आपकी बरहंगी देखे। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए देखे किस तरह वो लोगों की राष्ट्रवादी को, निजात को छीनता है, उन्हें बुराई गुनाह नाराजगी में धकेल कर उनके सामने हरियाली खुशहाली पेश करके वो उनके निजात के कपड़े उतारता है। याद रखें, आप नौजवान हैं, आप नौजवान ईमानदार हैं, आप नौजवान बेटी बहन ईमानदार हैं, वो आपके लिए ऐसी चीज आपके सामने लाकर खड़ा करेगा कि वो आपकी आंखों को खुशनुमा लगेगी, वो आपके दिल में उतरेगी और आपका दिल करेगा कि आप उसको हासिल करो, क्योंकि वो शरीर तो चाहता है कि आपके निजात के कपड़े उतर जाएं और आप उसकी नजर में जो आपका मालिक है और दुनिया की नजर में आप नंगे हो जाएं। या चंद रुपयों की वजह से, या चंद सिक्कों की वजह से, या चंद पैसों के वजह से वो आपकी निजात के कपड़ों को उतारना चाहता है, वो आपको अमानत में खयानत की तरफ धकेलेगा, वो आपको खुदा के पैसे में चोरी की तरफ धकेलेगा, इससे वो आपकी निजात के कपड़ों को उतारने की कोशिश करेगा ताकि आप लोगों के सामने नंगे फिरे, लोग आपकी बरहंगी देखें। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि मैं चोर की तरह आता हूं, और मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। क्या हम अपनी पोशाक की हिफाजत कर रहे हैं? पोशाक से मुराद हमारी निजात है, हमारी राष्ट्रवादी के काम है। यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 में फरमाया कि अगर तुम्हारी राष्ट्रवादी फक्की फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी का मतलब है सीधी राह पर चलना। यूहन्ना 14:6 यीशु ने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में। राष्ट्रवाद सीधी राह पर चलने वाला, और आप जानते हैं कि राह एक ही है और वो यीशु मसीह है। इंसान में सुलेमान कहता है कि बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। याद रखिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने और मैंने अपनी निजात की हिफाजत करनी है। हमने पैसों के लालच में आकर दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की और रंगीनियों में आकर अपनी निजात को खो नहीं बैठना ताकि लोग हमें नंगा ना देखें। आप जहरी तौर पर नंगे नजर नहीं आएंगे, ये याद रखें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जहरी तौर पर नंगा नजर आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप रूहानी तौर पर नंगे हो जाएंगे, आपकी रूहानी जिंदगी बिल्कुल डेड हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और रूहानियत की कोई चीज आपके अंदर कायम नहीं रहेगी। जब वो शरीर आपकी निजात को छीन लेगा, जब वो आपके कपड़े उतार कर आपको नंगा कर देगा, तो कोई राष्ट्रवादी का काम आपसे बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, याद रखें, हम खुदा के लोग होते हुए, हम ईमानदार होते हुए, हमें चाहिए कि हम अपनी पोशाक की हिफाजत करें, हम अपनी पोशाक की हिफाजत करें। जब आप किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में, शादी में, किसी इवेंट में जाते हैं, तो आप अपने कपड़ों को इस्त्री करके साफ सुथरा और ऐसा अच्छा, ऐसी अच्छी पोशाक पहनकर जाते हैं, आपके दिल में ये होता है कि सारी दुनिया मेरे कपड़ों को देखे, सारी दुनिया मेरी पोशाक को देखे, सारी दुनिया मेरी तरफ देखे। और मैंने देखा टीवी पर
मैंने देखा टीवी पर लोग ऐसे ऐसे महंगे कपड़े और ऐसे ऐसे फैशन और डिजाइन के साथ बैठते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, देखें उनके लिबास को, उनके कपड़ों को लोग देखें और लोग जानें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारी बरहंगी, हमारे नंगा होने को ये कपड़े नहीं छुपा सकते, ये कपड़े नहीं छुपा सकते। हमारे नंगा होने को हमारी नजात जो है, जब वो हमसे छीन जाएगी तो वो जाहिर करेगी। अबलीस जोरों पर है, वो शेर बबर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए होशियार और बेदार होकर बाइबल कहती है मुमारिक है वक्त वो जो जागता है, जागकर बेदार रहकर होश में रहकर हमने अपने राष्ट्रवादी के काम को छोड़ना नहीं है, यानी दुआ करना, कलाम पढ़ना, रोजा रखना, मकसों की रफाकत में आना, बाजमा चर्च आना, बुध मीटिंग, संडे मीटिंग, खुदा की हजूरी में आना और अपने हदीये नजराने, अपनी दैयत की अपने खुदावंद यीशु को पेश करना। यह है वो निजात, ये राष्ट्रवादी के वो काम हैं जो हमने अपने खुदा के सामने पेश करने हैं। जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है उसकी पैरवी करके, उसके पीछे चल के, उसके हुक्मों पर अमल करके हमने राष्ट्रवादी को जाहिर करना है कि मैं ईमानदार हूं, मैं राष्ट्रवाद हूं, मैं खुदा का बेटा हूं और मैं खुदा की बेटी हूं। हमने अपनी राष्ट्रवादी को जाहिर करना है दुनिया पर नहीं बल्कि अपने खुदावन खुदा के सामने कि तेरी राष्ट्रवादी जो मुझे मिली है मैं उसको कायम रखता। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप अपनी पोशाक की हिफाजत कर रहे हैं? क्योंकि शरीर अबलीस आपकी पोशाक को छीनना चाहता है, वो आपको नंगा करना चाहता है, वो आपकी निजात को छीन लेना चाहता है। जिस तरह उसने आदम की निजात को छीन लिया, आदम के कपड़े उतार दिए और आदम बरहना हो जाए। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे इल्तिमास करता हूं, राष्ट्रवादी के कामों में कायम रहे, ईमानदार होते हुए खुदावंद की निजात को अपने हाथ से ना जाने दे, अपनी निजात को छीनने ना दे बल्कि अपनी निजात को कायम रखे। हमारा निजात दहिंदा कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो मैं तुम में कायम। हमारी निजात यीशु मसीह है, अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो हमारी निजात कायम रहेगी। अबलीस को कोई हक नहीं है कि वो हमारे कपड़ों को, निजात के कपड़ों को उतारे और हमें नंगा कर सके। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। नाम का शुक्र करते, उसके नाम को जला देते हैं, जोरदार तालियां खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, खुदा के पाकीज़ों के लिए। पास्टर इमरान अख्तर को दावत देंगे, वो आएंगे और कलाम की शुक्र गुजारी करेंगे। प्रेज जीसस। हालेलुया। मेरे जीसस पर आप खुदा कीजिएगा, खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने अपने खादिम की वसाकत आज उस सदाकतें जो कलाम का बीज हम सब में बखेरा है हम उसको रिसीव करते। मेरे पाक खुदा वो तेरे खादिम के लिए और तेरी बरकत को मांग लेते और गहरे मकाश बात को मांग लेते ताकि इसी तरह तेरे कलाम के वसीला से बहुत सी रूहों को बचाने का सबब ठहरे। मेरे पाक खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो आज खुदा तेरी हजूरी में सरनगू हैं, जो अपनी मिन्नत को, फरियाद को, दरख्वास्त को, बीमारी को, लाचारी को, तंगदस्ती को लेकर आए हैं
आज कोई भी यहाँ से खाली ना लौटे मेरे पाप खुदा, अपने बेटे यीशु मसीह नासी के वसीला से आज हम सब की तू दरखास्तों को सुनना, कबूल फरमाना मेरे पाप खुदा। अटल बनाए चर्च के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, आई सी टी वी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे खादिम सीनियर पास्टर अमर फजल साहब के लिए, उनकी अहलिया बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और इसी तरह तेरे खादिम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए जो टीम के साथ है खुदा, मुल्तान जहानिया मियाँ चनू है खुदा राशन लेकर गए हैं, तो उनको खुदा अपने जलाल के लिए तो कसरत से इस्तेमाल करना, जैसे सलामती से लेकर गया वैसे सलामती से लेकर आना, गाड़ियों पर हम तेरी बरकत चाहते, पूरी टीम पर हम तेरी बरकत चाहते, और आज हम सबका तेरी हजूरी में झुकना, आज 22 से बरकत हो यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के अजीम हाथों के लिए बहुत शुक्र गुजार हैं कि वो हर जगह पर इस मुश्किल वक्त में इस मुसीबत में लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको राशन दे रहे हैं। आज भी खुदा के खादिम पास्टर शौकत फजल साहब जो कि 3 शहरों में गए हैं, मुल्तान मियाँ चनू जहानिया, जहाँ भी जा रहे हैं उनकी गाड़ियों पर खुदा की बरकत को ब्लेसिंग को मांगते हैं, क्योंकि लोगों को राशन देने के लिए गए हैं, खुदावंद उनके साथ हो, क्योंकि वो बहुत दर्द रखते हैं कि कोई भी इस मुश्किल घड़ी में भूखा ना सोए, मुसीबत में ना रहे। मेरे सिसो, मैं भी एक गवाही के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में किस कदर मुसीबत आई हुई है। तकरीबन 54 साल की तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन आज तक मैंने ये मुश्किल घड़ी कभी नहीं देखी थी, ये मुश्किल कभी नहीं वक्त देखा था कि पूरे मुल्क के चर्च, इबादत खाने, तमाम मस्जिद, हर चीज़ बंद है। तो मेरे सिसो, ये अबलीस ने जो भी काम किया है इस बात के लिए हम अपने खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने खादमीन को खड़ा किया है कि वो अपने लोगों की मदद करें, ना सिर्फ के क्रिश्चियनों की बल्कि जो भी मुस्लिम हैं, जितने लोग हैं इस मुल्क के अंदर, सब के लिए ये बरकत का सबब बने हैं। और यकीन जाने कि मैंने एक मिस कॉल पास्टर शौकत फजल साहब को करनी इसी कोरोना के अंदर, ये 3 महीने के अंदर मैं इतनी मुश्किल में थी, इतनी परेशानी में थी, इतनी मुसीबत में थी, और मैंने मिस कॉल पास्टर शौकत फजल साहब को करनी, और शौकत साहब ने उसी वक्त कहना कि सिस्टर ग्लोरिया मैं सैम को भेज रहा हूँ। और खुदा उनका शुक्र है कि खाने पीने की तमाम एशिया खुदा के खादम ने उसी वक्त मेरे घर में प्रोवाइड करनी। मैं यीशु का शुक्र करती हूँ और खुदा उनके नाम को जला देती हूँ। एक दिन भी आकर इनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, सिर्फ मिस कॉल करती रही हूँ, और खुदा के खादम उसी वक्त मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए प्रोवाइड करते रहे हैं। मैं खुदा के खादमीन को इज्जत देती हूँ और सलूट करती हूँ। खुदा उनको जिंदगी से सलामती और तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, पीरी और सलामती दे। अब जब फिर वो लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट करने गए हैं, खुदावंद उनके साथ हो और सारे सफर में उनकी मदद और रहनुमाई करे। हालेलुया, जोरदार तालियां अजीम हाथों के लिए। बहुत ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। अब वक्त है कि हम अपनी बरकत को रिसीव करें। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए। खुदा के खादिम पास्टर इमानुएल को आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगी, वो आएंगे और बीमारों के लिए दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप सबको सलाम। जितने भी फेसबुक पर देख रहे हैं आप सबको भी खुशामदीद और वेलकम करते हैं, और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ICTV के उत्साह से, अटर्नल यूनिवर्सिटी के उत्साह से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। जैसा कि सिस्टर ग्लोरिया ने बताया, इसी तरह तमाम टीम का पास्टर फजल साहब ने, पास्टर शौकत साहब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। खुदा हम बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज भी जैसा कि दुआ भी की गई और अभी भी हम सारे मिलकर दुआ भी करेंगे, खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत फजल साहब और इसी तरह पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, पास्टर इमरान बरकत साहब, इसी तरह पास्टर खालिद, डॉक्टर अनूज साहब, ये तकरीबन 18 लोग हैं
ये सभी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गए हैं, जैसा कि आपके आपको बताया गया मियां जन्नू के अंदर, मुल्तान, जहानिया के अंदर। और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा कि स्टार्ट में पास्टर फजल साहब ने कहा था कि घर में जाकर हम राशन देंगे, तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये दो माह से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, आप आईसी टीवी पर भी देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर राशन दिया गया। तो मैं चाहता हूँ आईसी टीवी के लिए हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। दावत के सिर्फ हाथों पास साहब, तालियां बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। आज के दौर के अंदर कोई किसी को एक रुपया नहीं देता, लेकिन पास्टर साहब ने, पास्टर शोकत साहब की तरफ आप गौर करें, 18 लोग, ये थोड़ी सी बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरी जगह पर जाना और राशन को देना, याद रखिएगा, बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ करते हैं। खुदा के खादमों ने सारे कामों को छोड़कर जो गरीब हैं, जो परेशान लोग हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान किया है। इसलिए लाजम है कि उनके लिए दुआ भी की जाए। तो मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और तमाम खादम भी स्टेज पर आ जाए। हम सारे मिलकर खुदा के खादम के लिए, उनके सफर के लिए जो कि इस वक्त सफर में है, और तमाम इलाकों पर खुदावन की बरकत चाहेंगे, ताकि खुदा के कदम जहां जहां पहुंचे खुदावन की बरकत नाजिल हो। आइए सभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सभी अपने हाथों को उठाइए। मैं चाहता हूं कि चंद सेकंड हम आईसी टीवी के लिए, पास्टर फजल साहिब के लिए, सिस्टर निगाह के लिए, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए और सारी टीम जो कही है उनके लिए हम चंद मिनट दुआ करें। आइए उनके लिए बरकत चाहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो गरीब का ख्याल रखता है खुदा मुसीबत के वक्त से छुड़ाएगा। आइए सब दुआ कीजिए ताकि खुदा जाएगी। हालेलुया, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को
पसंद करते हैं वो अपनी जिंदगियां तेरे पास आए, क्योंकि खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा मन तू ये चाहता है कि लोग तेरी तरफ छू ले है, लोग तौबा करे और तेरी राह पर चले। खुदा मन और देख खुदा इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ तेरा आए फसल एक एक घर पर एक एक जिंदगी पर चाहता हूँ, और इसी तरह चुनके खुदा बदन के अंदर कैंसर है मैं कैंसर को यीशु के नाम में कैंसल करता हूँ, जिनके खुदा अंतरियों के अंदर प्रॉब्लम है, जिनके पेट के अंदर खुदा का दूते हैं, यीशु के नाम से ये भी शिफा पा जाए, ये भी शिफा पा जाए, और जिनके बच्चे नहीं होते मेरे बहनों के उनको खुदा तू ब्लेस कर खुदा, ताकि उन पर भी राम कर खुदा, जो परेशान है अपने घरों के अंदर कारोबार नहीं है, खुदावन तमाम दरवाजों को खोल दे और तेरा हाथ खुदावन ठहरे, जिन्होंने अपने दिलों पर हाथ रखे हैं इनके दिल की मुरादें यीशु के नाम से पूरी हो जाए, और तमाम परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे, और हुकूमत पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम चर्चिस को ओपन करने की इजाजत दी, तेरा नाम मुबारक हो पाखुदा, क्योंकि आज पाखुदा खुदा मुफ्ती जगह पर खुदा तमाम चर्चिस खुल चुके हैं और लोग दुआ के अंदर छुप चुके हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पाखुदा, और तेरी खादमा के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, श्री रानून के लिए जो इस वक्त पाखुदा बीमारी के अंदर है, खुदावंद हम सारी कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआएं खैर बोलते हैं और दुआ करते हैं, ताकि दिल की सारी मर्ज उनकी जाती रहे और वो यीशु के नाम से जिंदगी पाए, शिफा पाए, बरकत पाए, और तेरा फजल उनके ऊपर भी ठहरा रहे, और देख खुदा इसी तरह तेरा फजल हम सब के ऊपर ठहरा रहे, जितने भी लोगों ने दरख्वास्त लिख रहे हैं फेसबुक पर यहां पर पेश की है, मैं एक एक दरख्वास्त को तेरे मस्तों पर लेकर आता हूं और दुआ करता हूं खुदा, जैसे मरियम और मार्था की दरख्वास्त को तूने पढ़ा और जवाब दिया, इनको प्यारों को भी जवाब दे और इनके सारे रोग मिट जाए और तेरा फसल इन सब के ऊपर ठहरा रहे। मेरा ईमान है खुदावन कि आज की इबादत के वजह से तूने आसमान को खोल दिया है, एक एक को बरकत दी है, हम तुझे मुबारक कहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। भाई अपने हाथों को उठाइए, खुदा की सिखाई दुआ में मिलकर शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज से हो गया आज के दिन, इस समय का सबब हमारे कर्ज में माफ कर, समाज में बनाई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुस की रफाकत, शाखत कुल मुकसिम के साथ, हाजर जुमायत के साथ, और जितने भी फेसबुक पर देख रहे हैं सब के साथ, हम सब के साथ खुदावन तेरी बरकत ठहरी रहे, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुस के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपना ख्याल रखिए और खुदावंद हमेशा आपकी हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू।